आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करते हैं ऐसे पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में हर हाल में होना ही होना चाहिए और कभी ना कभी आपने इसके प्रोडक्ट यूज़ किए ही होंगे। वरुण बिवरेजेस लिमिटेड, वन ऑफ द मल्टी बैकर स्टॉक, काफ़ी पहले भी रिकमेंड किया है, अभी फिर रिकमेंड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। बनरेट के बारे में आप ब्रांड नेम देख के खुद ही समझ जा रहे होंगे, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, सेवन एम, मरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, क्रीमवेल, लिप्टन, तो ये सब ऑलरेडी आपके पास कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, डिटेल आप कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। यूएस के बाद सबसे बड़ी बोटेलियर है ये आपकी पेप्सिको की, वरुण बिवरेजेस। अगर आप स्टॉक का चार्ट देखें तो सिंपली आपको चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि एक ग्रोथ स्टॉक है, SIP स्टॉक की तरह भी आप ले सकते हैं और कभी भी अगर इसमें अपॉर्चुनिटी आए तो लेना ही लेना है इस स्टॉक को। अभी देखिए कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट आए थे और कंपनी पहले भी बोनसेस और स्प्लिट देती हुई आई है और करंटली अभी कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो किसी ने भी इसमें अगर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी होती या कुछ कम भी इन्वेस्टमेंट करी होती कुछ सालों पहले तो बोनस और स्प्लिट से मिला के ही इसके अच्छे खासे शेयर्स उसके पास हैं और इनफैक्ट वो अच्छे खासे गेन में भी है। देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये रियल किसी का पोर्टफोलियो है, क्लाइंट ने 81 शेयर खाली लिए थे, ये बात है पिछले साल की ही। अब देखो स्टॉक जो है लगभग उस समय ट्रेड कर रहा था 600-700 के आसपास पे, वहाँ से स्टॉक गया आपका 1700-1800 के आसपास, वहाँ से स्प्लिट हुआ तो 80 के शेयर आपके 162 के हो गए और इस समय आप देख रहे हैं इसमें 174% तक का प्रॉफिट मिला। स्टॉक लगभग 1700 के पास गया था तो वहाँ पे इसमें और अच्छे खासे रिटर्न बनाए थे, बट आप देख सकते हो कि इसमें छोटा पैसा लगा के भी अगर आपका लंबा होरिजन है तो आप अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हो। मैं इसलिए इस समय यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि सेम अपॉर्चुनिटी बन रही है और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। स्टॉक अभी स्प्लिट होने जा रहा है, कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करी है तो इसमें आप सिंपली जो भी पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं इसमें आप वो पैसा इन्वेस्ट करिए। कुछ और मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो छोटे पैसे से अगर ट्रेडिंग भी करते हैं तो साल भर में देखिए ट्रेडिंग भर में इतना रिटर्न तो नहीं बन पाएगा, इनफैक्ट इसके आप आधे का आधा करिए अगर उतना रिटर्न भी आपका बनना है। इसमें क्लाइंट ने ना सिंगापुर निफ्टी देखा, गिफ्ट निफ्टी, ना डाउ जोन्स देखा, कुछ नहीं, स्टॉक लेकर सिर्फ होल्ड कर दिया, उतना पैसा बना के बैठा है। तो देखिए ये तरीका भी बढ़िया है, प्लस इसके अलावा अभी देखिए स्प्लिट होगा तो यहाँ से स्टॉक की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ देखिए एक बात और है, पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, बट कंपनी देखिए अगर ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंपनी अच्छी है तो आगे भी आपको रिवॉर्ड करती रहेगी। कोई भी कंपनी बोनसेस या स्प्लिट दे रही है डेट मीन्स कि अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिवॉर्ड कर रही है तो आगे उसमें और ग्रोथ पोटेंशियल है। तो आप जितना रिस्क ले सकते हैं लॉन्गर होरिजन के लिए अभी आप इसमें पैसा ज़रूर डालें, इनफैक्ट हर गिरावट पे आप थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर लें, आप अपने जितना रिस्क ले सकते हैं उसके अनुसार पैसे को डिवाइड कर लें, दूसरे लोग से भी शेयर कर दें ताकि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू।